देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में संत गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद को तोड़े जाने के खिलाफ भारत के अलग अलग राज्यों से संत गुरु रविदास के अनुयायियों ने एक दिन पहले ही दिल्ली में डेरा डाला और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सामूहिक मार्च निकाला। दिल्ली के रामलीला मैदान पर लाखों की संख्या में संत गुरु रविदास के अनुयायियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और जय भीम और जय गुरु रविदास के नारे लगाए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा, संत गुरु रविदास के अनुयायी गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं पर बनना चाहिए जहां पर तोड़ा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि दोनों सरकार मिलकर संत रविदास के मंदिर का निर्माण करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसएन नेशनल न्यूज़। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।